रायला क्षेत्र के मोतीबार खेड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालय से क्रमोन्नत होकर माध्यमिक होने पर प्रवेश शुरू हो चुके हैं, जिसमें 5 विद्यार्थियों ने प्रवेश दिलाने की पर ग्रामीण व विद्यालय स्टाफ ने स्वागत किया। गुरुवार को कोमल गुर्जर, मोनिका जाट, राहुल वैष्णव, पूजा गुर्जर, महावीर जाट को प्रवेश दिया गया। इस मौके पर ग्रामीण रतनलाल जाट और ईश्वरलाल गुर्जर ने बताया कि हमारे गाँव के छात्र छात्रा 4-5 किलोमीटर पैदल व साइकिल पर जाते हैं और जंगल के रास्ते से होकर जाते हैं, जिस कारण कई छात्रा 8वीं के बाद बीच में विद्यालय को छोड़ देते हैं, जिस कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा व मांडल विधायक रामलाल जाट व ग्रामीणों की मदद से विद्यालय को क्रमोन्नत होने पर आभार व्यक्त किया गया। गुरुवार को ग्रामीण हरफूल जाट, ईश्वर गुर्जर, रतन जाट व प्रधानाचार्य अशोक कुमार, सुनीता देवी, लक्ष्मी नारायण सेन, मनोज कुमार, मेहंदी पाल, आनंद स्वामी, संतोष सहित विद्यालय स्टाफ ने विद्यार्थियों के प्रवेश लेने पर तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया। आज हमारे ग्राम मोतीपुर खेड़ा के लिए बहुत ही शुभ दिन था। आज हमारे गांव में 5 बच्चों को 9th क्लास में एडमिशन दिया गया। पहले हमारे गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय था, जिससे बालिकाओं को 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी, क्योंकि हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल है। हमने गाँव वालों ने मिलकर मंडल विधायक श्री रामलाल जी जाट साहब को आग्रह किया कि सर हमारे गांव में ये समस्याएं हैं, तो मंडल विधायक रामलाल जी जाट साहब ने एंड टू एंड उसी समय अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा को अपने लेटर पेड पर लिख के भेजा कि भाई इस मेरे गांव में ये प्रॉब्लम है, और डोटासरा जी और रामलाल जी जाट साहब की वजह से हमारे गांव में आज बच्चों में हर्षोल्लास के साथ 9th क्लास में एडमिशन करने का और माध्यमिक स्कूल होने का और यहाँ 9th में पढ़ने का सौभाग्य मिला। मैं पूरे ग्रामवासियों की तरफ से शिक्षा मंत्री जी और रामलाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज बालिकाओं का बच्चों को तिलक लगा के स्वागत किया गया, और हम आगे कोशिश ये रखेंगे कि जिस उन्होंने इस सत्र में या पिछले सत्र में 8वीं से पढ़ाई छोड़ दी, ग्रामवासी मिलके उन बालिकाओं को वापस स्कूल में लाएंगे और शिक्षा से जुड़ेंगे। जय हिंद।